नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम रॉ मैंगो और मिंट की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, अमिया और पुदीना की खट्टी मीठी चटनी। आइए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो पुदीना की खट्टी और मीठी दो वैरायटी की चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है, ये देखिए, जैगरी पुदीना लिया है, एक कच्चा आम लिया है, रॉ मैंगो, मैंने तोतापरी आम लिया है, आप देसी आम भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा होना चाहिए, कच्चे आम में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। और हमने लिया है ये जीरा एक चम्मच, एक चम्मच सफेद नमक, एक चम्मच काला नमक और चार पांच मिर्ची, मिर्ची आप स्वादानुसार ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चटनी बनाना। सबसे पहले हम आम लेंगे और इसका ये पोर्शन अलग करेंगे, उसके बाद इसको हम पील कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आम पील हो गया है, ये देखिए। अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे। इसको इस तरह से कट कर लेंगे हम, छोटे छोटे टुकड़े, देखिए इस तरह के टुकड़े कर लेंगे। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें कटे हुए आम डाल देंगे, आपको मिक्सी के ऊपर सेट करेंगे और इसका लिड लगा देंगे। अब हम इन पीसेस को क्रश करेंगे। आइए खोल कर देखते हैं, ये देखिए पीसेस क्रश हो गए हैं। अब हम इसमें ये साफ किए हुए पुदीना के पत्ते डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, साबुत जीरा डाल देंगे, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच सफेद नमक रेगुलर वाला। अभी इसमें 15 ml पानी डालेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में और डालेंगे। अब हम इसके लिड लगा देंगे, ढक्कन बंद करके और पीस लेंगे। ये अभी ऐसा है, इसको चम्मच लेके हम इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, नीचे का ऊपर ले आएंगे और ऊपर का नीचे ले जाएंगे। अब फिर से लिड लगाएंगे और इसको पीस लेंगे। आइए चेक करते हैं, हमारी चटनी पिस गई है बहुत अच्छी, ये देखिए। अब हम इसको जार को मिक्सी के नीचे उतार लेंगे और जितनी खट्टी चटनी बनानी है हमें वो हम यहीं पे इसमें निकाल लेंगे। इसको हम 5-6 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अभी खट्टी चटनी हम साइड में कर देंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए इसमें ये गुड़ डाल देंगे, वापस से इसको सेट करेंगे मिक्सी पे, 15 ml पानी और डालेंगे मीठी चटनी में। इसमें मैंने 15 ml पानी डाला है, लिड लगाएंगे और पीस लेंगे इसको। देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छी पिस गई है। अब हम इस चटनी को भी इस जार में निकाल लेंगे। लीजिए, ये मीठी चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितनी जल्दी खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है, दो वैरायटी की चटनी। अब हम खट्टी चटनी को इस जार में भर लेंगे। ये बिल्कुल साफ है, धुला हुआ साफ जार आप ले लें और उसमें भर के रख दें। अब हम मीठी चटनी भी एक छोटे जार में डाल के रख देंगे। अब हम लिड लगा देंगे दोनों चटनियों के ऊपर, ये देखिए। अब आप इन खट्टी मीठी चटनियों को फ्रिज में रख के 8 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज से निकालिए, काम में लीजिए
और वापस से ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दीजिए। तो एक दिन आप बनाइए और 8 दिन तक खाइए बहुत आराम से। तो आपने देखा, खट्टी और मीठी दोनों तरह की चटनी बनाना कितना आसान होता है। तो आप बनाइए, खाइए और खिलाइए, और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।